ଚିୟରଅପ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ତରିକା କହିବାନି, ଇଏ ତ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ସେ ସବୁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି ସେଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିୟରଅପ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିୟରଅପ୍ କରିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସୁଦୂର ଯେଉଁ ବିହାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସୁଧୀର ଗୌତମ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମର୍ଥକ ରହିଛନ୍ତି ସେ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଚିୟରଅପ୍ କରିଥାନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୁଧୀରଜୀ ଆପଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିତେ ହେଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। କେସେ ଆନା ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟା କ୍ରାଉଡ଼ ଦେଖତେ ହେଁ ଆନେ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କି କ୍ରାଉଡ଼ ଆଜ ସେ ହିଁ ନାଇଁ ମେ 2003 6 ନଭେମ୍ବର 2003 ସେ ହିଁ ଦେଖ ରହା ହୁଁ। मतलब बहुत दिनों बाद ये उड़ीसा की धरती पे कटक में मैच दी गई, और ऐसा नहीं है कि जब भी मैच अगर उड़ीसा में हुई है मैच लॉस भी हुई है विन भी हुई है, बट क्राउड गजब की होती है। जब भी मैच होती है सुबह से ही पूरी रोड जाम होते हैं, तो मुझे बेहद खुशी होती है कि उड़ीसा में भी ऐसी क्राउड है। पांच सीरीज में अभी भारत जो है एक पीछे रह गया, एक मैच हार गया, आप भी दिल्ली में थे, क्या हुआ, क्या क्या फीलिंग है अभी भारत में, क्या होगा मैच को लेकर? नहीं, जो IPL में खराब परफॉर्मेंस के कारण विराट कोहली जी, रोहित शर्मा जी, मतलब कुछ ऐसे क्रिकेटर है वो जसप्रीत बुमराह जी, तो इन लोग अभी रेस्ट में हैं। अभी नए लड़कों को चांस दिए गए हैं, लेकिन बैड लक कल डिसीजन खराब हुई और 9 तारीख की मैच गलती तो हम ये कहेंगे, गलती तो नहीं कहेंगे, लेकिन काश अगर उनकी जगह पर कोई और बॉलर होता तो अलग होती, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, टीम जीतेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया 4-1 से श्रृंखला को जीतेगी। भारत में अगर टीम पहुँच गया, अभी प्रैक्टिस चल रहा है, परिवर्तन चाहिए टीम में? उमरान मलिक फास्टेस्ट बॉलिंग कर रहे हैं, अभी जो प्रैक्टिस में हम देखे 163 की बॉलिंग की है, कुछ अक्षरदीप भी है लेफ्ट हैंड बैट्समैन बॉलर है, क्या चेंजेस होना चाहिए? तो मैं चाहूँगा कि उमरान मलिक एक IPL में बेस्ट परफॉर्मेंस बॉलर के रूप में हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि किसी को भी ड्रॉप करेंगे, उमरान मलिक खेले और टीम इंडिया को यहीं से जीत दिलाए। सुधीर जी, आप हर जगह मैच जाते हैं, अभी तक कितना साल हो गया आप जाते हैं, कहाँ कहाँ सब जाते हैं, कितना मैच देख चुके हैं अभी तक? अब तक सर मैं 750 मैच से ऊपर देख लिए, क्योंकि मेरी लाइफ का पहला मैच 19 जनवरी 2001 ईडन गार्डन में थी, इंडिया इंग्लैंड की फर्स्ट ODI, उसी सीरीज की चौथी मैच ग्रीन पार्क कानपुर में थी 28 जनवरी 2001, और 17 अप्रैल 2003 विजयवाड़ा में मैच थी इंडिया की, तो ये तीन मैच तो स्टूडेंट लाइफ में देखे। लेकिन सचिन सर से मिलने की जीत थी जो सन 2002 में साइकिल से जमशेदपुर आए, लेकिन सचिन सर कलकत्ता टेस्ट में चोट लगने की वजह से लंदन ट्रीटमेंट के लिए गए टेनिस एल्बो की वजह से, और मेरा सपना अधूरा हुआ। फिर सन 2003 में साइकिल से ही मुंबई गए, सचिन सर से मुलाकात हुई, बस वहीं से ये सिलसिला स्टार्ट हुई और लगातार साइकिल यात्रा चलती रही, जहाँ तक मैं साइकिल से पहली बार विदेश यात्रा पाकिस्तान भी की और टीम इंडिया को सपोर्ट किया और 4-1 से श्रृंखला को जीती थी। हम देखे हैं आप हर जगह जाते हैं, गैलरी में शंख फूंकते हैं और पताका लहराते हैं, क्या क्राउड जब आता है आपके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं, कितना प्राउड फील हो रहा है? नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सचिन सर की वजह से हम टीम इंडिया को चीयर कर पाते हैं। भले ही सचिन सर क्रिकेट से रिटायर हुए, हमारे दिल में आज भी हैं, और उन्हीं की बदौलत जो आज हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये सब जगह जो जा पाते हैं, तो सचिन सर वीज़ा और टिकट करते हैं तब जाकर हम टीम इंडिया को हौसला बढ़ा पाते हैं। भारत मानचित्र क्या है या क्या ये वजह क्या है? बस क्योंकि मैं 2003 में जब साइकिल से मुंबई गए सचिन सर से मुलाकात के लिए, तो हम सोचे कि एक पागलपन तो करना ही पड़ता है, तो इस प्रकार हम भारत का मानचित्र बनाकर तीन कलरों में रंगे, और सचिन सर को ये बहुत पसंद आई और उनके मतलब टोपी हटाकर भारत के नक्शे के साथ फ़ोटो ली, तो इसको अपने आप को लाइफ मतलब आइडियल बना लिया और हमेशा सर पे ये तिरंगा भारत का मानचित्र बना हुआ रहता है। काल का मैच लेकर क्या उम्मीद है आपका? पूरी उम्मीद है उमरान मलिक खेलेंगे और टीम इंडिया जीतेगी। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଶଙ୍କନାଥ ବି କରିବେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବା, ସେ ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଏଭଳି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚିୟରଅପ୍ କରିଥାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିୟରଅପ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ତରିକା କହିବାନି, ଇଏ ତ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ସେ ସବୁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିୟରଅପ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିୟରଅପ୍ କରିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଦି ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକ ଯଦି ଖେଳନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ଦଳ କାଲି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।